भारतीय पहलवान बजरंग ने रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता चारिक को 10-1 से मात दी। उन्होंने पहले ही दौर में जीत हासिल कर ली। भारतीय पहलवान ने शुरुआत से ही अपने प्रतिद्वंदी चारिक पर सिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में जारी 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 9वें दिन शुक्रवार को यानी 13 अप्रैल को भारत की झोली में 17वां स्वर्ण पदक डाला। बजरंग ने पुरुषों के 45 किलोग्राम वर्ग स्पर्धा के फाइनल में वेल्स के केन चारिक को मात देकर सोना जीता। ये उनके राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक है। बजरंग ने रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता चारिक को 10-1 से रौंद दिया। उन्होंने पहले ही दौर में जीत हासिल कर ली। भारतीय पहलवान ने शुरुआत से ही अपने प्रतिद्वंदी चारिक पर सिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन्होंने चारिक को हाथों से जकड़कर पटका और 2 अंक लिए। इसी अवस्था में उन्होंने वेल्स के पहलवान को रोल कर 2 अंक और लेते हुए 4-0 से बढ़त बना ली। इसी शैली और तरीके से बजरंग ने 4 अंक और लिए। अंत में बजरंग ने चारिक को चित करते हुए 10 अंक हासिल कर सोना जीता। इस बीच चारिक केवल 1 अंक ही ले पाए। साल 2014 में बजरंग ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 61 किलोग्राम वर्ग में स्पर्धा करते हुए रजत पदक जीता था और इसी बार वह अपने इन खेलों में अपने पदक के रंग को बदलने में कायम हुए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।